सभी दर्शकों को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जो भी दर्शक हैं उनको हार्दिक बधाई। चलिए आज हम हैं सिवान शहर के जेपी चौक से 100 मीटर दूर पे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं धनतेरस जो दो दिन था कल और आज। यहाँ पे काफ़ी जो मार्केट है सज धज के रेडी है दीपावली और छठ के लिए। आप देख सकते हैं तमाम प्रकार के जो आइटम्स है पटाखे में यहाँ पे जो मौजूद हैं, देख सकते हैं किस तरह से दुकान में लगाए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्राहक है जो जिलेवासी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। आइए यहाँ पे जो बात करते हैं यहाँ पे दुकान के जो ऑनर है, किस किस प्रकार से आप लोग आइटम ले आए हुए हैं जो नया इस बार? नया में 60 आवाज़ आया हुआ है। 60 आवाज़ जी, ये 60 आवाज़ है जी। उसके बाद रॉकेट जो आया हुआ है, एक रॉकेट में दो आवाज़ करेगा एक साथ। उसके बाद अनार, ये जो अनार आप देख रहे हैं ये 40 फीट ऊपर तक जाएगा। 40 फीट ऊपर जी, यही सब आइटम है। हाइड्रो है, वो जो ग्रीन वाला बाहुबली बम है वो पानी के अंदर भी जाके फटेगा। पानी के अंदर भी जाएगा जी, क्या बात है। तो जो कल से और कल की तुलना में आज भीड़ थी कि नहीं आप लोग को यहाँ? मार्केट बहुत स्लो चल रहा है भैया, सब माल उसी तरह पड़ा हुआ है, पता ना मार्केट में क्या हो गया है। देख रहा है एक भी कस्टमर थी। अच्छा जी, कल जैसे कल कुछ बिक्री हुआ? कल हल्का फुल्का रहा, आज उससे भी ख़राब चल रहा है। हो सकता है कहीं कल हो दीपावली के दिन, अब देखिए आगे का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है ना। देखिए यहाँ पे जो कस्टमर है मन में इनका उदासी छाई हुई है कि बोल रहे हैं कि मार्केट जो है मंदा चल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तमाम तरह से जो आ रहे हैं लोग आ रहे हैं। यहाँ पे लाइटिंग आपको दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए जो चाइनीज लाइटिंग है वो भी है। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से शहर में जगमगा रही है लाइटिंग। यहाँ पे मूर्ति जी है, लक्ष्मी माँ का मूर्ति है, गणेश भगवान जो है उनकी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे कल जो दीपावली का पर्व है उसके लिए यहाँ पे तमाम जिलेवासी आए हुए हैं मार्केटिंग करने के लिए। आगे चल के हम दिखाएंगे जो यातायात को लेकर जिला प्रशासन क्या कदम उठाई है। तो यहाँ पे ट्रैफिक इंचार्ज हैं शहनवाज जी, इनसे भी हम चल के बात करने की कोशिश करेंगे कि यातायात बाधित ना हो, इसके लिए यहाँ पे सिवान पुलिस सदैव तत्पर है, आप देख सकते हैं। आइए यहाँ पे जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं, ट्रैफिक इंचार्ज है शहनवाज जी, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यातायात बाधित ना हो इसके लिए कैसे कार्य कर रहे हैं। देख सकते हैं शहनवाज जी किस तरह से मुस्तैदी के साथ अपना ड्यूटी कर रहे हैं। सर काफ़ी भीड़ है क्या सर? हाँ, त्यौहार है और भीड़ होना मुनासिब है कि भीड़ होना ही है, लेकिन आप जहाँ खड़े रहते हैं जाम निजात हो जाता है? ऐसा कुछ है नहीं, हमारी कोशिश रहती है कि जाम न लगे और यहाँ के जनता का सहयोग भी हमें मिलता है। और हम लोग जो भी काम करते हैं जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में, उनका ज़्यादा जाम, जहाँ ज़्यादा जाम हो जाता है वहाँ आपको बुलाया जाता है। साहब का आदेश रहता है कि कहीं शहर में जाम नहीं होना चाहिए, उनके आदेश पर उनके निर्देश में हम लोग काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि जाम नहीं लगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप अभी सर यहाँ पे जो रोड पे गाड़ियाँ लगाए हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? जैसे कि त्यौहार है, त्यौहार है, अब लोग कोई लग करके चला जाता है, तो हम लोग के पास कोई साधन नहीं है कि हम लोग उठावे इसको, और एक गाड़ी उठाने के लिए 5-7 आदमी का जरूरत है, आदमी भी कमी है। तो बेहतर है कि हम लोग किसी तरह अपना गाड़ी चलाते रहे, लोग को ये नहीं हो कि रोड जाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि ट्रैफिक इंचार्ज शहनवाज जी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपना काम कर रहे हैं, कहीं जाम रोड ना हो इसके लिए। देख रहे हैं तमाम जो शहर में काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, आप देख रहे हैं यातायात कैसे एकदम सब है चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी शहर जो अभी जाम है, लोग मार्केटिंग करने के लिए आए हुए हैं। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।